बंगाल से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बंगाल बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही बहुचर्चित संदेश खाली इलाका पड़ता है और यहां से बीजेपी ने रेखा पात्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले रेखा पात्रा ने ही संदेश खाली के मामले में FIR दर्ज कराई थी। न्यूज 18 इंडिया ने रेखा पात्रा से बातचीत की है, क्या कुछ रेखा पात्रा की ओर से कहा गया सुनिए जरा। कि रेखा पात्रा जो कि बसीरहाट से फिलहाल भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो इस समय नाव में चढ़कर के प्रचार करने के लिए जा रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। रेखा दी, ये वो रास्ते हैं जहां सड़क भी नहीं जाती है, जलपथ से जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल हो रही है। हिंदी तो बोलो ना, बांग्ला हिंदी। देखिए, ये तो हमारा एक गांव में संदेश खाली की इधर बहुत ही परेशानी से जाना पड़ती है, तो सिर्फ हम ये पानी में बोट से नहीं जा सकती, हम रोड पे जाएंगे तो उधर से रास्ता अच्छा नहीं है, रोड भी ख़राब है, तो जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो TMC ने अभी जो उनके ऊपर जो दायवार सौंपे थे वो तो उन्होंने नहीं किए ना, काम नहीं किए, रास्ते की काम नहीं किए, तो हम जल्दी से जल्दी इस लोकसभा वोट के बाद हम ये सब यहाँ पे ब्रिज हो जाए, हम बहुत कोशिश करेंगे। आपके ऊपर भरोसा जताया प्रधानमंत्री ने, आपसे फोन पर बात भी की, ये कितना बड़ा आपके लिए? देखिए मैम, हमारे लिए तो उनकी भरोसा तो भगवान से भी आगे है। उतनी बड़ी एक आदमी हमारे ऊपर भरोसा करा के किए है, हमारी संदेश कली की माँ बहन के ऊपर, तो उनके लिए हमारी भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करेंगे हम लोग। आज ये आंदोलन पे आके उन्होंने हमारी आशीर्वाद दिया और हमारे ऊपर भरोसा किया, तो हमने भी उनके लिए कुछ करेंगे। इस लोकसभा की बात वोट की बात तो हम बहुत कुछ ही करेंगे, और पहले जो करेंगे उनकी पाँव छू के प्रणाम तो जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। बच्चों को आपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, समय नहीं दे पा रही थी? हाँ, अभी भी समय नहीं दे पा रही हूँ, बच्चे को छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर पे रखकर हम आई इधर, तो हम चाहती है हमारी गांव की इधर पश्चिम बंगला की लोगों के लिए हमारी बच्चा थोड़ी ना कष्ट उठाए तो क्या हुआ, अगले दिन बहुत खुशहाली दिन होगा, यही है हमारी। कितने बच्चे हैं, उनको कहाँ किन रिश्तेदार के यहाँ पर रखा आपने? मेरे 3 लड़की छोटा है, एक 3 साल की, एक 7 साल की, एक 12 साल की, वो बसीराट पे ही है, उधर एक घर लिए, वही मकान वही घर पे ही रह रही है। अच्छा, अभी देखिए आपके लिए स्वागत की तैयारियां भी हो गई हैं, उस तरफ हम तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ बात भी करते रहेंगे आपसे। पति आपके बाहर काम करते थे, आपने बुला लिया? हाँ, इन्होंने तमिलनाडु पे काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? उन उधर जो हमारी जो बालिश में को जो राज मिस्त्री कहती है उनको ही एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, एक बार बात आपसे भी करूंगी। आपकी पत्नी, अच्छा आप जरा शर्मा रहे हैं, इनको संकोच हो रहा है कैमरे के सामने आने से। पति आपके राजमिस्त्री का काम करते हैं? हाँ, लेवार, कोई लेवार की काम करती है उन्हें, उन्होंने डायरेक्ट मिस्त्री नहीं है, वो लेवार है, लेवार की काम कर रहा था। तो अभी आपने बुला लिया वापस? नहीं, मैं नहीं बुलाई, सब संदेश कली की माँ बहन ने बुलाया, उन्होंने भरोसा दिया, हमने तो डर रहा था तो वो आएगा उनके ऊपर झूठा केस डाल के उनको अंदर कर देगा पुलिस थाने पे, तो सब लोग भरोसा दिया नहीं कुछ नहीं होगा, तुम बुला लो ने, तो बुलाया फिर आया, अभी तो ठीक है, पर बाद अभी तो ठीक है। शेख शाहजहां तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन लड़ाई आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ी थी। हाँ, ये लड़ाई तो बहुत लंबी थी, ये लड़ाई अभी भी लंबी है, क्योंकि अभी भी छोटा मोटा जो अभी भी संतराशी अभी बाकी है, शेख शाहजहां की जो लोग है वो अभी भी डरा रही है, धमका रही है घर घर जाके लोगों को कि आपको वोट ना करें ऐसा। देखिए, उन्होंने 2-4 है तो वो उन्होंने कुछ नहीं कर पाएंगे, वोट तो हमारी जनता देगा ना, हमारी जो माँ बहन अभी जिनकी सम्मान हानि हुई तो वो ही देगा वोट, तो हम TMC की गुंडे की तरह तो कहीं वोट हम खरीद नहीं रहे, वोट हम उन लोगों ने खुशहाली से देगा मुझे वोट।
न्यूज 18 इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर जो ले जाएगा आपको गली कूचे, मोहल्ले कस्बे, गांव गांव, शहर शहर, देश के हर चुनावी मुद्दे तक। TVS रीडर, भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। स्कूल हादसे से पहले का सीसीटीवी आया सामने। बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के चार दोस्त भी हुए थे बस में सवार। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। एमपी के रीवा में खुले बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को निकालने की कोशिश जारी। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा, मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 4.85%। खाद्य महंगाई दर 8.66% से घटकर 8.52% हुई। शहरी महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.14% तक पहुंची। ग्रामीण महंगाई दर 5.34% से बढ़कर 5.45% हुई। वहीं सब्जियों की महंगाई दर 30.25% से घटकर 28.34% हुई। दिल्ली के सीलमपुरी इलाके में युवक के सिर में मारी गई गोली, युवक की हालत नाजुक, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो आया सामने। मोबाइल फोन, किताबें और नोट्स रखकर परीक्षा देते नजर आए छात्र। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और कुक के साथ मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की बुरी तरह से पिटाई, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। यूपी के अमरोहा में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, हमले में एक युवक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बढ़ा भालू का आतंक, इलाके में एक शिव मंदिर में भालू ने डारा डेला। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेजों की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बिल्डिंग न होने से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू के हाथ लगे अहम सुराग, 3 आरोपियों को एसीबी ने किया गिरफ्तार। धार की बोधशाला में सर्वे का काम लगातार जारी, 22वें दिन एएसआई की टीम ने किया सर्वे। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, घटा थाने में पहुंची बुजुर्ग फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने दी गाली। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना सिटी में कुएं में गिरा ऊंट, ऊंट की मशक्कत के बाद निकाला गया, जेसीबी मशीन और गड्ढा खोदकर किया गया रेस्क्यू। इसराइल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी दूतावास के बाहर निकाली गई रैली। गाजा के